सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 31 साइज से लेके 50 साइज तक कि आपको अगर बोटनेक गला बनाना है तो उसके अंदर आर्मो लेंथ कितनी रखी जाएगी और गले का ब्रॉडनेस या डीपनेस कितनी रखी जाएगी। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले आपकी मान लीजिए कमीज का कपड़ा हमने यहाँ बिछा दिया और यहाँ पर ऊपर निशान जो हम लगा रहे हैं तीरे का निशान। इसमें आपको कोई तीरा नहीं बताया जाएगा, इसमें जो भी चीज़ बताई जाएगी सिर्फ आर्मो लेंथ और गले का ब्रॉडनेस बताई जाएगी, जिससे आपको पता रहेगा कि किस साइज़ में हम कितना गले का ब्रॉड रखेंगे बोट नेक में और कितनी आर्मो लेंथ रखेंगे। तो दोस्तों, आर्मो लेंथ इसमें कॉलर के बराबर ही होती है। जैसे मान लीजिए आपका अगर ये जो साइज़ है 31 से लेके अगर आपका जो साइज़ है होता है आपका 31 और 34 साइज तक, तो 31 से 34 साइज में आपकी आर्मो लेंथ आएगी दोस्तों 7 इंच। ठीक है, 7 इंच की आर्मो लेंथ आपको रखना है बोट नेक के अंदर। और इसके अंदर जो गले का बोट नेक होगा दोस्तों वो आपका होगा 4.5, और यहाँ पे जो आर्मो ये जो लेंथ होगी गले की वो होगी 3 इंच। इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है और यहाँ से आपको इस तरीके से दोस्तों सेफ दे देनी है, ये आपकी बोट नेक की सेफ हो जाती है। ठीक है, और बोट नेक की सेफ अगर आपको बैक में की होल भी बनाना है तो भी दोस्तों इसी तरीके से आपकी कटिंग होगी और इसी तरीके से आपकी जो है आर्मो लेंथ यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया मैं आपको लिख के भी दिखाता रहूँगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया 31 से 34 आर्मो लेंथ जो होगी, अब मैं जो ए बना रहा हूँ ये आर्मो लेंथ होगी और ये आपकी गले की ब्रॉड होगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रॉड। ठीक है, तो आर्मो लेंथ इसके अंदर जो मैंने आपको बताई है 31 से 34 तक वो है आपके 7 इंच। ठीक है, और गले का जो ब्रॉड है वो है 4.5 इंच। ठीक है, ये 4.5 इंच आपके गले का ब्रॉड हो गया। 4.5 के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका डीपनेस लिख दे रहा हूँ मैं, जो डीप होगा ना ये गले का डीप, तो दोस्तों वो हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। ये आपके गले का डेप्थ होगी। ठीक है, कि आपको कितना रखना है। अब मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे साइज होता है 35 से लेके आप यहाँ पे 38 तक जो नाप रखेंगे तो वो आपकी जो आर्मो लेंथ होगी दोस्तों वो यहाँ पर होगी आपकी 7.5। लेकिन अगर आपका 35 साइज है तो आप यहाँ पे 7.25 कर लेंगे आर्मो लेंथ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये आपकी इतनी लेंथ यहाँ पर बढ़ जाती है 38 तक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो गले की ब्रॉडनेस है दोस्तों वो आपकी रहेगी यहाँ पे 4.5 इंच और आपकी यहाँ जो लेंथ आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी आपकी 3.5 इंच। तो 3.5 इंच के बाद आपको यहाँ पे आराम आराम से इस तरीके से अपने इस गले के जो ब्रॉडनेस है इस पर यहाँ पर मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7.5 की लेंथ हो गई आपकी यहाँ पर, यह आप नोट कर लेना। और 3.5 इंच की आपके यहाँ पे डीपनेस होगी, गले का जो ब्रॉड होगा वो 4.5 इंच होगा। थोड़ी राइटिंग मेरी दोस्तों ऐसी है तो मुँह से बोल रहा हूँ मैं, तो भी आप इस पर लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपका आता 39 से लेके आपका 42 तक कितना रहेगा दोस्तों, इसमें जो आपकी लेंथ रहेगी दोस्तों यहाँ पर आपकी आएगी 7.25 इंच की लेंथ। ठीक है, 7.25 इंच की लेंथ आप रख लेंगे 39-40 में। और अगर आपका थोड़ा सा डीप, वैसे आप 7.25 ही रखेंगे इन चारों में, अगर आपका 41 और 42 यानी 41-42 में अगर आपका ये आर्मोल लेंथ छोटा पड़ता है तो दोस्तों आप जो है हल्का हल्का सा ऐसे छाट के आर्मोल बढ़ा सकते हो बाजू चढ़ाने में अगर दिक्कत हो तो। तो यहाँ पर आपका हो गया 7.25 इंच दोस्तों 39 से 40 तक। और अब जो यहाँ पर दोस्तों गले का ब्रॉड है वो आपका हो जाएगा 5 इंच की लंबाई, वो ब्रॉडनेस। ठीक है, और यहाँ पे जो गले की डीपनेस होगी वो दोस्तों 3.5 इंच होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो गले का ब्रॉड है वो आपका हो गया 10, यानी कि आधा 5 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो आपका डीप होगी वो होगी आपकी 3.5 इंच और यहाँ पे जो आर्मो लेंथ है वो होगी आपकी 7.25। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो डीपनेस है यहाँ से आपको ऐसे करके सेफ लेनी है और यहाँ पे दोस्तों मिला देनी है, इस तरीके से आपका ये ब्रॉड बनता रहता है। तो मैं आपको निशान लगा के दिखा रहा हूँ। वो खास तौर पे दोस्त किसी को इन साइज़ के अंदर थोड़ा डीप में चाहिए होता है नेक, तो यहाँ पर ना ज़्यादा डीप ना करें। यहाँ पे जो लेंथ आप लेंगे 4 इंच भी ले सकते हैं इस साइज़ के अंदर, किसी को गहराई वाला चाहिए तो, जैसे कि 41-42 थोड़ा हैवी साइज़ हो जाता है तो आप उसमें 4 इंच भी डीप कर सकते हैं और सीधा इसको यहाँ पर दोस्तों मिला देंगे। इस तरीके से आपको रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर 43 से अगर आपका 43 से मान लीजिए आपका साइज़ मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 43, 44, 45, 46, तो यहाँ पे हम 46 तक चलते हैं। तो दोस्तों 46 तक यहाँ पे जो आपका गले का ब्रॉडनेस है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाता है आपका 5.5 इंच
और यहाँ पे जो डीप नेक आती है दोस्तों वो आपकी आती है 4 इंच। तो 4 इंच आपको इस तरीके से दोस्तों निशान ऐसे लगा के यहाँ पे लगा लेना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 5.5। 5.5 के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपके डीपनेस आएगी वो आएगी आपकी 4 इंच। 4 इंच के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आर्मोर लेंथ आएगी वो आएगी आपकी सीधे में 8 इंच। तो यहाँ पे 8 इंच का हम निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे 8 इंच की आपकी जो है डीपनेस आएगी आर्मोर लेंथ की। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी फ्लैक्चुएशन कहते हैं इसको हम, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ये साइज़ के अकॉर्डिंग आपका होता है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे कि अब इस ज़्यादा हैवी साइज़ में लोग बोट नेक पसंद नहीं करते, 46 के ऊपर ज़्यादातर लोग मैंने देखा है बहुत कम होते हैं, कम से कम 2% लोग बनवाते हैं बोट नेक। लेकिन फिर भी अगर कोई आता है आपके पास तो आपको पीस बना के देना है, तो क्या करना है 47 से आप 52 लगा लो। 52 तक दोस्तों आपको आर्मोर लेंथ तो 8 इंच ही रखनी है। गले का जो डीपनेस है दोस्तों 5.5 है, आपको कर लेना है यहाँ पे 6 इंच, ये 6 कर लेना है, ठीक है। 6 करने के बाद, और थोड़ा मैटर तीरे पे भी करता है कि तीरा किसका कितना भी, ये नहीं कि आप 6 इंच कर रहे हो किसी का तीरा ही कम हो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो वो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है हमें। तो ज़्यादातर ये 5.5 इंच का ब्रॉड भी बहुत ओके रहेगा। तो जैसे कि आपने 47-52 में ब्रॉड रख लिया 6 इंच, और ये जो डीप है दोस्तों वो 4 इंच ही रखें, ज़्यादा रखेंगे तो ये आपका कंधा जो है गला आगे से खुलने लगेगा। आर्मोर लेंथ दोस्तों 8 इंच रखेंगे, क्योंकि आर्मोर लेंथ जो 8 इंच आप रखेंगे इसके अंदर जो साइज़ होता है, अब नॉर्मल साइज जैसे मान लो हमारा यहाँ 48 का 12 हो गया आपका, लेकिन दोस्तों अगर यही आपका 52 है तो आपका ये 13 हो गया। तो दोस्तों ये 13 इंच पे हमने यहाँ जैसे मान लिए निशान लगा लिए 8 इंच पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा तीरा है तो हम यहाँ पर तीरा का जो ये निशान हो गया, अब इस निशान से जब हम आर्मोल ऐसे करके निशान लगाते हैं तो दोस्तों ये वाला हिस्सा जो होता है ना आपका बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बाजू आपके आराम से चढ़ जाएगी। हैवी साइज़ के अंदर अगर आपका आता है तो दोस्तों आर्मोल लेंथ आप आराम से ये रख सकते हैं 8 इंच, और ये जो गले का आपका ब्रॉड है ये आप रख लेंगे यहाँ पे 6 इंच रख लेंगे, और यहाँ पर आपको जो डीपनेस होगी वो होगी 4 इंच। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप ध्यान से एक बार देख ली, मैं बोल के बता देता हूँ फिर भी समझना है। 31 से 34 साइज़ में आर्मोर लेंथ 7 इंच रखनी है, इसकी डीप गले की रखनी 3 इंच, और जो आपका ब्रॉड है वो रखना है 4.5 इंच, 4.5 इंच डबल में रखना है। इसी तरीके से 35 से 38 साइज़ में 7.5 इंच की आर्मोर लेंथ होगी, डीपनेस होगी 3.5 इंच की, 4.5 इंच की दोस्तों इसकी ब्रॉडनेस होगी। 39 से 42 में 7.5 इंच की लंबाई होगी आर्मोर लेंथ की, 3.5 इंच की डीपनेस होगी गले की, और 5 इंच का ब्रॉडनेस होगा। उसके बाद दोस्तों 43 से 46 8 इंच की आर्मोर लेंथ होगी, 4 इंच का डीपनेस होगा, और यहाँ पे 5.5 इंच जो है आपकी गले की चौड़ाई होगी। और दोस्तों इस साइज़ के अंदर आप जो ये 4 इंच का डीप है इसको आप 3.5 भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 47 से 52 में आर्मोर लेंथ 8 इंच होगी, 4 इंच की डीपनेस होगी, और ब्रॉड आपका यहाँ पे 6 इंच का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट है, बिल्कुल सिंपल है, आप इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। और दोस्तों ये सिर्फ बोट नेक की आपको आर्मोर लेंथ और डीप नेक के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की और जानकारी लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।